पेट्रोल वैसे सस्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन पेट्रोल जो है ना महंगाई होते जा रही है, सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रही है। सर पेंशन तो हर आदमी के लिए हो जाएगा, मगर सोना आम आदमी कैसे खरीदेगा? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो आम आदमी को चलना मुश्किल हो जाएगा। जो गरीब आदमी है, नॉर्मल आम मिडिल क्लास है, वो सोना कैसे खरीदेगा? उसके लिए भी गवर्नमेंट को सोना चाहिए ना, सोने को और थोड़ा रेट कम होना चाहिए उसमें। ये तो अच्छी बात है, अगर सरकार प्रयास कर रही है विदेशी स्टूडेंट को, हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी काफ़ी बाहर जाते हैं, विदेशी स्टूडेंट आएंगे तो इसमें उससे और अच्छी बात है, देश के लिए, देश का भी नाम होगा और इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर गया है, हमें उसको काफ़ी इम्प्रूव करना, उस तरह के हाई क्वालिटी के टीचर्स जो है पैदा मतलब बनाने होंगे, उस पर काम करना होगा। ये सारे जितने भी हैं हमारे हिसाब से, सारे जितने भी अधिकारी हैं, जाए जाए जितने भी नेता, सबके सब भ्रष्ट हैं। और गवर्नमेंट को ये सोच के चलना है कि हम ये अपना लक्ष्य किस तरह 2024 तक पूरा कर लें। 2 रुपये महंगा हो गया है तो इससे तो आम जनता पर बहुत महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आने जाने का किराया बढ़ेगा, जितने जो सामान सब आते हैं जाते हैं लोडिंग है, जितनी भी वस्तु आते जाते हैं यहाँ से निर्यात होते हैं, उसमें तो सारे चीज़ महंगाई ही बढ़ेगी, उसमें तो हम गरीब जनता ही इसमें मरे जाएंगे, पिसाएंगे। देखो 2 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, 2 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है तो कम से कम फायदा तो देगा। आज हमारे देश में कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा है, रोड बन रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा भी तो हमारे लोगों का था, हमें सुविधा मिलेगी तो उसमें नुकसान क्या है? हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।